दोस्तों, आज के समय में जबकि छोटे से छोटे देश के पास अत्याधुनिक हथियारों और बम से लैस लड़ाकू प्लेन हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लड़ाकू विमान कैसे होते होंगे? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे उन्हीं प्लेन्स के बारे में जिन्होंने अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी से दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही प्लेन्स के बारे में जो कि आवाज की स्पीड से 6 गुना ज्यादा तेजी से उड़ता था। एक ऐसा प्लेन जो कि ट्रैक्टर के लिए इंजन पर चलता था क्योंकि उस समय जेट इंजन नहीं हुआ करते थे। इस वीडियो में आप उस प्लेन के बारे में भी जानेंगे जिसने सबसे ऊंचाई से उड़ान भरकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे आज तक कोई भी दूसरा प्लेन तोड़ नहीं पाया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं अब तक के सबसे ज्यादा ताकतवर मिलिट्री प्लेन्स के बारे में जिन्होंने वॉर के दौरान दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और संग में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप तक हमारी सारी वीडियोस पहुंचती रहें। नंबर 1, कलिनिन K7। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सोवियत यूनियन के लड़ाकू विमान कलिनिन K7 का। इस विमान को 1930 में बनाया गया था। इसके ओरिजिनल डिजाइन में सिर्फ 6 इंजन लगाए गए थे लेकिन प्लेन पर पड़ रहे वजन की वजह से इसमें 2 इंजन और बढ़ा दिए गए। यह तब तक का सबसे बड़ा प्रोपेलर एयरक्राफ्ट था जो कि पिस्टन इंजन पर चलता था। इस प्लेन को KHMA क्रोन मोलिब्डेनम स्टील ने बनाया था। इस प्लेन को प्रथम विश्व युद्ध और सिविल वॉर में पायलट रह चुके कॉन्स्टेंटिन कलिनिन ने बनाया था। उन्हीं के नाम पर इस प्लेन का नाम कलिनिन K7 रखा गया। इस प्लेन को बनाने में करीब 2 साल का समय लग गया। अब अगर प्लेन की टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस प्लेन की विंग्स की लंबाई 174 फीट यानी 53 मीटर थी जो कि आजकल के विमानों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस प्लेन का अपना खुद का वजन ही 21 टन के आसपास था जिसको उठाने के लिए इसमें 750 हॉर्स पावर के करीब 2 दर्जन ज्यादा मोटर्स लगी हुई थी। ये प्लेन उस जमाने में बना था जब जेट इंजन नहीं हुआ करते थे और क्या आप सोच सकते हैं, यह प्लेन ट्रैक्टर इंजन पर चलता था। यह प्लेन करीब 18,000 फीट की ऊंचाई तक बड़ी आसानी से उड़ सकता था। इसके अलावा यह प्लेन 234 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता था जो कि तब के जमाने में बहुत ही बड़ी बात थी। सामान्य तौर पर यह प्लेन करीब 120 यात्रियों और 7,000 किलोग्राम का वजन भी उठा सकता था। युद्ध के लिए यह एयरक्राफ्ट करीब 19,000 किलोग्राम के बम, 8x20mm के ऑटोमेटिक कैनन और 8x7.62mm की मशीन गन अपने साथ ले जा सकता था। 21 नवंबर 1933 को तकनीकी खराबी की वजह से यह प्लेन क्रैश हो गया जिससे 1935 में इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। नंबर 2, X-15। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है उत्तरी अमेरिका के जेट प्लेन X-15 का जो कि वर्ल्ड का सबसे तेज उड़ने वाला जेट प्लेन है। आप जानते हैं इस जेट के उड़ने की कैपेसिटी 4520 माइल्स प्रति घंटा यानी 7274 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जेट आवाज की गति से भी 6 गुना ज्यादा तेज है। लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी जो कि करीब करीब 3805 किलोमीटर है लेकिन इस प्लेन में बैठकर ये दूरी आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में पूरी की जा सकती है। X-15 रॉकेट की ताकत से चलने वाला हाइपरसोनिक प्लेन है। 1960 के दशक में इस प्लेन अपनी स्पीड से तहलका मचा दिया था क्योंकि अपनी तरह का पहला ऐसा प्लेन था जो बाहरी अंतरिक्ष की सैर करके आया था। 1967 में इसने सबसे तेज गति का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये रिकॉर्ड अभी भी कोई और प्लेन तोड़ ही नहीं पाया जबकि जमाना कितना एडवांस हो गया है। उस समय इस प्लेन को पायलट विलियम जे नाइट उड़ा रहे थे जिन्होंने 102 फीट की ऊंचाई इस प्लेन से तय की थी। प्लेन की स्पीड उस समय 4520 माइल्स प्रति घंटे की थी। किलोमीटर में अगर बात करें तो 7274 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 सेकंड में 2021 मीटर की दूरी तय करता था। इसने सबसे ज्यादा स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था। इस प्लेन का निर्माण युद्ध के लिए नहीं किया गया था बल्कि अंतरिक्ष की जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए किया गया था। X-15 मशीन में 12 पायलट ने करीब 199 फ्लाइट्स उड़ाई जिससे उनमें से 8 पायलट को अंतरिक्ष यात्री का दर्जा दिया गया क्योंकि उनके द्वारा उड़ाई गई 13 फ्लाइट्स ने 50 माइल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तय की थी। इनमें से जो वायुसेना के पायलट थे उन्हें तुरंत ही सेना के अंतरिक्ष विंग में शामिल कर लिया गया और जो सामान्य पायलट थे उन्हें X-15 उड़ान के करीब 35 साल के बाद 2005 में सेना के अंतरिक्ष विंग में शामिल किया गया। इस विमान की 200वीं उड़ान जो कि 21 नवंबर को होने वाली थी वो तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई। बाद में इस विमान को स्मिथसोनियन वायु और अंतरिक्ष संग्रहालय को दान कर दिया गया। नंबर 3, बोइंग B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा विमान ऐसा है जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान के छक्के छुड़ा दिए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर मशीन बोइंग B-17 फ्लाइट फोर्ट्रेस की। US आर्मी एयर कॉर्पोरेशन के लिए 1930 में 4 इंजन के बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान को बनाया गया था। उस समय एयर कॉर्पोरेशन ने करीब 200 युद्धक विमानों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला था जिसमें बोइंग का मुकाबला डगलस और मार्टिन जैसी कंपनियों के विमानों से था। उस समय बोइंग B-17 ने बाकी दोनों कंपनियों के विमानों से अच्छा प्रदर्शन किया पर प्रोटोटाइप के क्रैश होने की वजह से डगलस के विमान B-18 से हार गया और ये कॉन्ट्रैक्ट डगलस कंपनी को मिल गया। पर B-17 एयर कॉर्पोरेशन को बहुत पसंद आया और उन्होंने इसी के जैसे 13 और विमान बनाने का
बोइंग को आदेश दे दिया। इस विमान ने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के औद्योगिक और सैन्य ठिकानों पर, जापान के कई हवाई ठिकानों पर खूब बम बरसाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा बम B-17 ने ही गिराए थे। B-17 युद्ध में बम बरसाने के अलावा परिवहन, ड्रोन एकत्र करने वाला और बचाव दल के विमान की तरह भी काम करता था। B-17 न केवल युद्ध के लिए एक बेहतरीन विमान था, बल्कि ये काफी मजबूत भी था। कितनी बार तो B-17 केवल एक इंजन के साथ वापस लौटा था। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से B-17 तीसरा सबसे ज्यादा बनाया जाने वाला बम वर्षक विमान था। नंबर 4, लॉकहेड F-117 नाइटहॉक। इतिहास के सबसे ताकतवर मिलिट्री प्लेन्स में अब नाम आता है अमेरिका के एक सीट और दो इंजन वाले एयरक्राफ्ट लॉकहेड F-117 नाइटहॉक का, जो अपनी चुपके से हमला करने वाली कैपेसिटी के लिए बहुत ही पॉपुलर है। यह एरोप्लेन हैवी ब्लू टेक्नोलॉजी पर काम करता है। लॉकहेड F-117 नाइटहॉक पहला ऐसा प्लेन था जो स्टीलथ टेक्नोलॉजी पर काम करता था। वैसे तो इस प्लेन ने 1981 से उड़ान भरना शुरू कर दिया था, पर इसे गुप्त रखा गया था। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान 1981 में नेवाडा के ग्रूम नदी से भरी थी। जनता के सामने इस प्लेन को 1988 में लाया गया। कुल मिलाकर 64 लॉकहेड F-117 नाइटहॉक बनाए गए थे, जिनमें से 5 प्रोटोटाइप और बाकी 59 प्रोडक्शन यूनिट थे। लॉकहेड F-117 नाइटहॉक करीब 65 फीट 11 इंच लंबा था और इसकी ऊंचाई करीब 12 फीट 5 इंच थी। ये करीब 23,814 किलोग्राम वजन टेक ऑफ के समय उठा सकता था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 684 माइल्स प्रति घंटा यानी कि 1100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसकी स्टीलथ टेक्नोलॉजी के कारण इसे वो ब्लीन गाबलिन भी कहा जाता था। इस प्लेन ने 1991 में पर्शियन गल्फ वॉर में भी हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से इसकी बड़ी तारीफ हुई थी। इसने यूगोस्लाविया के युद्ध में भी हिस्सा लिया था, जहां पर एक धरती से हवाएं मार करने वाली मिसाइल ने इसे मार गिराया था। ये पहला लॉकहेड F-117 नाइटहॉक विमान था जिसने कई लड़ाई हारी थी। अप्रैल 2008 में लॉकहेड F-117 नाइटहॉक US वायुसेना से रिटायर कर दिया गया, पर कुछ लॉकहेड F-117 नाइटहॉक को अभी भी उड़ने की हालत में रखा गया है और 2020 में कुछ लॉकहेड F-117 नाइटहॉक को उड़ते हुए भी देखा गया है। नंबर 5, JAS-39 क्राइपेन। दोस्तों, अब इस लिस्ट में नंबर आता है स्वीडन की कंपनी SAAB का बनाया हुआ सिंगल इंजन वाला लाइट वेट JAS-39 क्राइपेन। JAS-39 क्राइपेन के पास एक डेल्टा विंग और फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल होता है। इस विमान की खास बात यह कि बहुत सारे रोल एक साथ निभा सकता है। इस विमान की इसी खासियत ने इसे इतना मशहूर कर दिया है। इसमें वॉल्वो RM इंजन लगा हुआ है, क्योंकि लो बायपास टर्बोफैन इंजन होता है। इसे खासकर JAS-39 ग्राइपेन के लिए ही बनाया गया था। अब तक ग्राइपेन के करीब 271 मॉडल्स बनाए जा चुके हैं। ग्राइपेन अपनी खासियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। JAS-39 ग्राइपेन करीब 14.1 मीटर यानी कि 46 फीट 3 इंच लंबा और 14 फीट 9 इंच ऊंचा था। इसका विंग एरिया 30 वर्ग मीटर है। उड़ान भरते समय करीब 14,000 किलोग्राम का वजन लेके जा सकता है। ये मैक्सिमम 2460 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। ये अपने साथ 13.5 सेंटीमीटर के 4 रॉकेट लेके जा सकता है। इसके अलावा युद्ध के समय बम, मिसाइल और मशीन गन भी लेके जा सकता है। कोलंबिया, कनाडा, क्रोशिया, फिनलैंड, इंडोनेशिया और भारत जैसे देश भी इस प्लेन से आयात करवा रहे हैं। पूरी दुनिया में करीब 158 ग्राइपेन प्लेन बहुत से देशों की वायुसेनाओं को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नंबर 6, लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप US की वायुसेना के लिए बनाए गए एक सीट वाले और हर मौसम में काम करने वाले लड़ाकू विमान लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर की। US वायुसेना ने वैसे तो इसको लड़ाकू विमान के तौर पर बनवाया था, लेकिन इसमें मौजूद ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल इंटेलिजेंस जैसी खूबियों ने इसे काफी ताकतवर बना दिया था। इसके एयरफ्रेम और हथियार लॉकहीड मार्टिन और विंग ट्रेनिंग सिस्टम बोइंग ने बनाए थे। इसकी हाई कैपेसिटी वाली स्टीलर टेक्नोलॉजी की वजह से दुश्मन के रडार इसका पता नहीं लगा पाते थे। ये करीब 62 फीट 1 इंच लंबा था। इसकी ऊंचाई 16 फीट 8 इंच थी। ये उड़ान भरते समय अपने साथ करीब 38,000 किलोग्राम का वजन लेके जा सकता था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1500 माइल्स यानी कि 2414 किलोमीटर प्रति घंटे है। युद्ध के लिए इस प्लेन में मशीन गन, हवा से हवा को मार करने वाली मिसाइल, हवा से जमीन तक मार करने वाली मिसाइल और हार्ड पॉइंट्स लोड किए जाते थे। वैसे तो करीब 750 लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर खरीदने की योजना थी, पर बहुत सारे सैन्य और आर्थिक अवरोधों के कारण केवल 175 लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर ही खरीदे गए। इन कारणों के अलावा और भी बहुत से कारण थे, जैसे रूसी और चीनी लड़ाकू कार्यक्रमों में देरी होने से, निर्यात पर बैन लग जाने से और लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर से भी बेहतर F-35 के आ जाने से लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर थोड़ा सा डाउन हुआ और इसकी लोकप्रियता पर काफी असर हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया इतिहास के टॉप मिलिट्री प्लेन्स के बारे में। इनमें से आपको कौन सा बेहतर लगा हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज एक सेकंड का टाइम लगेगा, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं है।
सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आप तक हमारी सारी वीडियोस पहुंचती रहेंगी और आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।